फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लंच के लिए बनाने जा रही थी अखा मसूर की दाल, तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसके बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी। अखा मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो अखा मसूर मैंने 2 घंटा भिगा के रखी हूँ। यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टोमेटोज चॉप किए हैं, 2 मीडियम साइज के ऑनियन स्लाइस किए हैं, 4 हरी मिर्च को ऐसे स्लिट्स में कट किया है, और यहाँ मैंने सूखे मसाले एज यूजुअल मैंने लिया है गरम मसाला, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और नमक लिया है, ऑयल लिया है, और खड़े गरम मसाले में लिया है तेज पत्ता, दालचीनी, 6-7 जो है काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 6-7 लौंग और जीरा लिया है, और मैंने यहाँ पे ली है कसूरी मेथी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकर ले लिया है और ये कुकर गर्म हो गया है। हम दाल अलग से बॉईल नहीं करेंगे, हम इसे शॉर्टकट तरीके से बना देंगे। पहले मैंने ये तेल ले रही हूँ, तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूंगी ये सारे खड़े गर्म मसाले। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी ये स्लाइस्ड ऑनियन, ये इसमें हम ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे इसके रॉक में जाने तक इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले और साथ में नमक भी ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें फ्रेंड्स ऐड करेंगे ये जो चॉप टोमेटोज थे, ये ऐड कर देंगे हम इसे और इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर जो है हमारा ये भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चिलीज, इसे मिक्स कर लीजिए और अब इसमें ऐड कर दीजिए जो है ये अखा मसूर जो था, ये आप सारा ऐड कर दीजिए इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, आप इसमें पानी ऐड कीजिए, कम से कम 1 गिलास तक का पानी आपको ऐड करना है इसमें। फ्रेंड्स, मैंने पानी ऐड कर लिया, मैंने करीब 1.5 गिलास पानी ऐड कर लिया इसमें, अब आप इसे मिसल देंगे, इसे 4-5 विसल देनी है, 4-5 विसल में ये कुक हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। फ्रेंड्स, 5 विसल हो चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब फाइनली मैं इसमें ऐड करूंगी ये कसूरी मेथी, मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि ये थोड़ी पाउडर फॉर्म में बन जाए, इसे हाथ से थोड़ा सा यू मसल के हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये जो कसूरी मेथी है ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये हर डिश में आपको डालना बहुत जरूरी रहता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे मिक्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दाल जो है ये रेडी है, अच्छे से कुक हो गई है, अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए हमने किस तरह से डेकोरेट किया है हमारी थाली। मस्त है गाइस, बहुत ही मस्त है। चलो अब टेस्ट करते हैं बुर्जी। बुर्जी भी बहुत अच्छी है, मुझे तो मजा आया। मेरा नाम है।
कैसा लगा दिल आपको? कहानी दे दो। अच्छा अच्छा, पहले कहानी देती हूँ, ठीक है? खाओ खाओ खाओ, आराम से खाओ जब तक हम सना को खिलाते हैं। चलिए हम सना को खिलाते हैं। सना के लिए बड़ी प्लेट। चलिए सना, बिस्मिल्ला बोलो, बिस्मिल्ला बोलो। कैसा लगा मेरी परी को? अबे आदिल, आपका हो गया खा के? बताओ कैसा लगा, खाया आपने? बहुत अच्छा लगा। मैं करने जा रहा हूँ। मिलते हैं हम आपको लंच करके। सना क्या देख रही हो? बारिश देख रही हो? वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, ये किस चीज की याद दिलाते हैं आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तीनों कौन है? अच्छा, क्या कर रहे थे आप लोग? क्या सिखा रहे थे आप हुसैन इन दोनों को? इसको एबीसीडी और इसको वाइल्ड एनिमल्स। नहीं, जो अभी आप कर रहे थे आंख बंद करके, वो क्या सिखा रहे थे आप? गांधी जी के तीन बंदर। अच्छा अच्छा, वो सिखा रहे थे। पहला मैं, दूसरा ये। अच्छा, सना बोल रही थी कि बुरा मत सुनो, मैं बोल रहा था बुरा मत बोलो, और ये बोल रहा था बुरा मत देखो। अच्छा अच्छा। बुरा मत सुना, बुरा मत देखो, बुरा बिल्कुल बात मत करो, बोले दे। मैं तो तैयारू नहीं हूँ आपके फोन का, नहीं मैं तो। अच्छा अच्छा। ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज हमें दुआओं में जरूर याद कीजिए। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आपको हमारे चैनल पसंद आता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले।